डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू विल बी ग्रेटली ब्लेस विद हेल्थ एंड आई होप दैट यू हैव लर्न योर प्रीवियस एक्टिविटीज ऑफ योर प्रीवियस लेसन केयरफुली एंड प्रॉपरली। एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज अ टू अ लिटिल गर्ल दैट हैज टोल्ड अ लाई। दिस इज अ बेसिकली अ पोएम एंड आवर टूडेज एक्टिविटीज इज अबाउट द फर्स्ट यू हैव टू डू द introduction. Parents kindly give introduction of this lesson through video. After watching video, ask the following questions from our child. A video link has been given below. Website: The Boy Who Cried Wolf, Summer Timer Series. Here is the link. Video is half an hour. ये video एक लड़के और भेड़िए के बारे में है। लड़का भेड़ों की देखभाल करता है। वो हर रोज़ अपने मज़े के लिए लोगों को डराता और झूठ बोलता कि भेड़िया आ गया। लोग इसकी बात का यकीन कर लेते और वो हंसता। एक दिन सच में भेड़िया आ गया और उसकी सारी भेड़े खा गया, लेकिन किसी ने इसकी बात पर यकीन ना किया। Here is some questions that the parents have to ask to our child. Of question number one, why does someone lies? कोई भी शख्स या कोई person झूठ क्यों बोलता है। What are the consequences of telling a lie? झूठ बोलने के क्या नतायज हैं? क्या नतायज हो सकते हैं? What is easy to do? To speak the truth or telling a lie? आसान क्या काम है, ईजी क्या काम है? क्या झूठ बोलना या क्या सच बोलना? इन दोनों में से कौन सा अमल, कौन सा फेल जो आसान है? Next, dear students, you have to do the reading. Kindly ask our child to read the whole lesson number 4 to a little girl that has told a lie from book page number 35 and 36. After reading, kindly ask the following questions from our child for better understanding to check that whether our child has understood the lesson properly or not. And so you can get the idea by these questions. These are the oral question list. Question number 1, what is the name of the poem and the poet? What is the main idea of the poem? What are the consequences of telling a lie? What is easy to do to speak the truth or to tell a lie? Should we beware of the harms of telling a lie? Why? Kya hame jhooth bolne ke nuksanat se bahabar hona chahiye? Kyun? Should we conceal our crimes from our elders? क्या हमें अपने बुरे काम अपने भरों से छुपाने चाहिए? क्यों? How do we conceal our crime? Give an example. हम अपने बुरे काम, बुरे फेल कैसे छुपाते हैं? इसकी एक मिसाल दें। Should we accept our fault? क्या हमें अपनी गलती माननी चाहिए? अपनी गलती का एतराफ़ करना चाहिए? Why? Does the God want to punish his people? क्या खुदा अपने के गॉड अपने लोगों को तकलीफ देना या सजा देना चाहता है? How does the God warn his people from attempting sins and faults? खुदा ताला यानी कि गॉड किस तरह अपने लोगों को गुनाहों से और बुरे कामों से बाहबर करता है? Is God a forgiver? क्या खुदा माफ़ करने वाला है? हु इज़ वॉचिंग अस एवरी टाइम? हमें हर वक्त कौन देख रहा होता है? वॉट हैपन इफ़ वी कैन सील आवर क्राइम आवर एरर्स? हम अगर क्या होता है अगर हम अपनी गलतियों को छुपाते हैं? हु इज़ नियर अस? हमारे करीब कौन है? हाउ डू यू फील इफ़ यू कमिट अ फॉल्ट आर टेल अ लाई?
आप कैसा महसूस करते हैं अगर आप कोई गलती करते हैं या झूठ बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग द लेसन द पोएम यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर आर एनी पर्सन ऑफ योर ईजीली एक्सेसिबल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव वन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।